तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले बाकी वीडियो देख लेंगे, इसके पहले का वीडियो, जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, उसका एलसीएम 450 है, तो वो संख्या है बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं भी संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि ओरिजिनल नंबर निकाल, दो अनुपातिक संख्या होनी चाहिए, उसके बाद एचसीएफ होनी चाहिए, और एचसीएफ से दोनों अनुपातिक संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर ये प्राप्त हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। तो देखिए निकालने का ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम बटा दो अनुपातिक संख्या जो है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या का अनुपात या ए इंटू बी लिख दीजिए। तो एलसीएम कितना है 450 से, और 6 × 5 कर देंगे, ये कटेगा 5 × 5 = 45, 45 × 90 = 6 × 15 = 12। अब 15 आ गया, दो संख्या का ये एचसीएफ आ गया। क्या आ गया इसका एचसीएफ आ गया 15। अब एचसीएफ 15 आने के बाद क्या करना है कि आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो एचसीएफ तो 15 है और दो संख्या का अनुपात कितना है 6 × 5 है, तो 15 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 15 × 6 = 90। अब 15 × 5 = 75, ये 90 और 75 इसका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। और ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।